सियासत के बाद जरा मईशत की तरफ जाते हैं। कुछ जगहों से पाकिस्तान के माशी अशारियों को बेहतर कहा जा रहा है। एक पेशन गोई हुई है कि जी पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी होगी और तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ेगी। नाउ दिस इज नॉट जस्ट एनीबडी दैट इज सेइंग दैट। रवा माली साल 2024 एंड 2025 में पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतर होंगे, ये अक्वामे मुत्तहिदा यूएन के इकोनॉमिक सर्वे से ये बात सामने आई है। अगले माली साल में हकीकी शराय नमू जो होगी वो 2% से जायद उसके अंदर इजाफा होगा और माली साल 2025 के अंदर महंगाई की शराह में 26% से वो कम होकर 12.2% तक पहुंच जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है। ना तवानाई के शोबे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट से ज्यादा वहीं महंगाई बढ़ रही है, उसके अंदर जो सब्सिडीज हैं उसके खात्मे और माली नज्म जब्त कायम करने से माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा यूएन इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। दूसरी तरफ जरा हम बढ़ते हैं तो IMF की डायरेक्टर जूली कोसैक वो भी यही कह रही है कि पाकिस्तान की जो सात आइंदा महीनों के अंदर माहिदा है वो नए प्रोग्राम के ऊपर बातचीत करने को आइंदा महीनों के अंदर हम तैयार होंगे। IMF के साथ पाकिस्तान का जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो अप्रैल के अंदर खत्म हो रहा है, ये याद रखिएगा। इस टाइम पर बेहतर कहा जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को। अच्छा, आलमी बैंक का पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान की GDP अगले साल 3% से कम रहने की पेशगोई है, यानी 3% से अबव तो नहीं जाएगी GDP लेकिन पिछले कुछ सालों से बेहतर की तरफ जाएगी ही जाएगी। और इस टाइम पर शरह नमू पाकिस्तान की इस साल 1.8% जो है वो है और साल 2025 के अंदर 2.3% एक्सपेक्ट की जा रही है और उससे थोड़ी सी बढ़ेगी आगे 2026 के अंदर, वो होगी 2.7%, बट नॉट अ वेरी बिग जंप। लेकिन स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी ये एक अहम सवाल है। मुफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो हैं ही हैं, गॉट अ वेरी कीन आई ऑन द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान एज वेल। बहुत शुक्रिया मुफ्ता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मुफ्ता साहब, पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्योर इकोनॉमिक्स को पोलिटिकल इकोनॉमिक्स से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ईद के बाद एहतजाज है, एहतजाज अपनी जगह पर मौजूद होंगे लेकिन सारे इदारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को बेहतर करार दे रहे हैं, एटलीस्ट मजीद महंगाई की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं। डू यू सी के ये पॉलिटिकल अपीवल जो कि ईद के बाद शायद बपा करना चाह रही हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी वजह से इन इकोनॉमिक आउटलुक के फैक्टर्स के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता? मेरा नहीं ख्याल है, सच्ची बात है कि देखें ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमी दुनिया में कहीं पर भी अलहदा नहीं होते, जाहिर है कि जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं और जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सियासत का असर बिल्कुल उस पर आता है, मईशत पे आता है, लेकिन दैट सेड आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल प्रोसेस का होना या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का होना जो है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ज़्यादा चेंज करेगा। जो आपने बात बताई है वो इस बात को निशानदेही कर रही है कि देखें महंगाई पाकिस्तान में पिछले साल मार्च में 34% थी, मई में 38% हुई जो पाकिस्तान की हाईएस्ट थी, अब 20% हो गई है, पिछले मार्च में 20% थी। 20% भी बहुत ज़्यादा है, 20% से भी आमदन लोगों की नहीं बढ़ रही तो लोग गरीब हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि 1 करोड़ लोगों का अंदेशा है कि 1 करोड़ लोग मजीद खतः गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। आज भी 9 करोड़ लोग पाकिस्तानी खतः गुर्बत के नीचे हैं और 15-20-25 सालों में पाकिस्तान की 30 सालों में पाकिस्तान की मईशत जो है वो अच्छी नहीं चली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम जो पिछले 2 साल का बिगाड़ जो है 2-3 साल का, उससे अल्लाह ने चाहा तो हम निजात पाएंगे और ये 2% तक हमारी शरह नमू बढ़ेगी, यानी कि 2% से हमारी कौमी आमदन का हजम बढ़ेगा। अगेन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 2.5% से बढ़ती है, इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी 0.5% गरीब हो जाएगा। पिछले साल ऑलरेडी वो 0.25% गरीब हुआ था क्योंकि 1.8 से जैसा आपने फरमाया बढ़ी थी कौमी आमदन, लेकिन जो नफरी थी या अफराद थे वो 2.5% से बढ़े थे। सो मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान में, महंगाई कम हो जाएगी जो सा आपने फरमाया कि इंशाल्लाह 12% तक आ जाएगी, 12 तो थोड़ा सा मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे बैरूनी फैसले होते हैं। मिसाल के तौर पर तेल की जो आलमी मंडी में कीमत है वो $90 पर बैरल हो गई है,
तो यहाँ पर उससे भी महंगाई का इफेक्ट आता है, दीगर चीजों में भी आता है। सारी चीजें हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के बिजनेस कंट्रोल नहीं करते, ऑब्वियसली बाहर वालों का भी इसमें देखना होता है। लेकिन जो बुरे हाल में थे, जो अबतर हालात में थे, उससे बेहतरी इंशाल्लाह नजर आ रही है अगले साल। राइट, अच्छा मुफ्ती साहब, फिर तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी ना, यानी एक तरफ तो हम लोग उस इंस्टेबिलिटी वाले माहौल से आगे बढ़ गए, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कोई एज सच कोई इंपैक्ट नेगेटिव नहीं डालेगी, सो डज दैट मीन कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए ओवरऑल जो एक इज़्तिराब आवाम के अंदर भी पाया जाता है बिकॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक मेस दैट वाज क्रिएटेड, स्पेशली पीएमएलएन जो कह कर आई थी कि जी हम लोग इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, इकोनॉमी बड़ी गड़बड़ हो गई है, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर भी यही आए थे, आप जब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, यू ऑल्सो ट्राइड कि इकोनॉमी को किसी तरीके से स्टेबलाइज किया जा सके, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये पीएमएलएन के लिए भी स्टेबिलिटी का दौर होगा, एंड औरंगजेब साहब कुड बी यू नो लेबल्ड एज वन पर्सन जिन्होंने शायद बेहतर की है चीजें, या इट वाज बाउंड टू हैपन? नहीं, आई थिंक कि जो पिछला साल हमारा 22-23 का निकला है, दैट वाज प्रोबेबली द वर्स्ट इकोनॉमिक ईयर इन पाकिस्तान इन अ लॉन्ग टाइम। बहुत बुरा साल था, महंगाई भी बड़ी उरूज पे थी, ट्रेड डेफिसिट भी सही नहीं रहा, कहीं पर हमको कोई चीज नजर नहीं आई, हम बार बार डिफॉल्ट से खेलते रहे, आईएमएफ से लड़ाई करते रहे, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब जून में शहबाज शरीफ साहब ने ये वो फैसला किया कि आईएमएफ से बात करनी ज़रूरी है, और फिर खुद जाके जब एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। तो औरंगजेब साहब जिस वक्त पे आए हैं, उनको चीज़ें बेहतर होती भी मिली हैं, लेकिन किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को बिगाड़ना की चीज़ें बड़ा मुश्किल नहीं होता है, बिगाड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नहीं बिगाड़ेंगे। और अगर ये आईएमएफ से एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से स्प्रिंग मीटिंग्स अभी शुरू होंगी 20 तारीख के बाद, अप्रैल के तो बातें करेंगे, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगी। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकेगी अगले एक दो साल तक, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत रहेगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई रहेगी, लेकिन ये कि बेहतरी आएगी, जो अबतर हालात थे उससे बेहतर हो जाएगा।